हाय, वेलकम बैक टू इज इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है। मैं संजय नेगी फिर आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन के डेफिनेशन हमने पढ़े थे, उसके टाइप्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। कल हमने वीडियो में पढ़ा था कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, यानी कि प्रोनाउन का फर्स्ट टाइप हमने पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन। उसके हमने दो टाइप्स पढ़े थे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो आज हम पर्सनल प्रोनाउन का ही डिस्कस करने वाला है, सेकंड कॉन्सेप्ट, जिसमें आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है और उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो मैं बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट के सामने आज आपके सामने टॉपिक लेके आया हूँ, तो आप वीडियो पर बने रहिए, कॉपी पेन तो आप साथ रखिएगा, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन होता क्या है। पहले हम उसको डिफाइन करेंगे कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है। देखिए, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, अब इसके पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक बार क्या था, आई, एक बार आई अकेला था, ये अकेले स्कूल जाता था, अकेला ही पढ़ता था, अकेले ही खेलता था। तो जब तक ये अपने आप में अकेला था, तब तक ये क्या था, फर्स्ट पर्सन था। ये जब तक ये अकेला था तो अपने आप में ये एक फर्स्ट पर्सन था, यानी कि जब तक मैं अकेला हूँ, किसी से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अकेले ही जा रहा हूँ, अकेले ही बैठ रहा हूँ, अकेले ही खा रहा हूँ, अकेले ही स्कूल जा रहा हूँ या अकेले ही पढ़ रहा हूँ, तब तक मैं क्या हूँ, अकेला ही फर्स्ट पर्सन हूँ, ठीक है ना। जो अकेला होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। पर एक दिन क्या हुआ कि आई एक दिन जाके किससे मिला, यू से मिला। आई जाके किससे मिला, यू से मिला, और आई ने बात करना शुरू कर दिया, ठीक है। जब आई ने यू से बात किया तो यू आई के लिए कौन था, सेकेंड पर्सन। यू आई के लिए कौन था, सेकंड पर्सन हो गए, ठीक है। फिर ये दोनों की दोस्ती क्या हो गई, बहुत ज़्यादा पक्की हो गई। दोनों साथ खेलने लगे, साथ घूमने लगे, साथ पढ़ने लगे, साथ खाने लगे, तो दोनों की दोस्ती पक्की हो गई। तो एक दिन दोनों मिलकर क्या हो गया, किसी और के बारे में बात करने लग गया, ठीक है। वो कौन थे, वो थे ही, शी, इट। कई बार तो वो किसी का नाम भी ले रहे थे, और उसमें दिस, दैट, ये सारे थे इसमें। जब ये दोनों मिलकर इन सब के बारे में बात कर रहे थे, तो ये सब इनके लिए कौन थे उस समय, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का मतलब है जिनको हम जानते भी हैं और जिनको हम नहीं भी जानते हैं। जब दो इंसान मिलकर किसी और के बारे में बात करते हैं, उसी को हम थर्ड पर्सन कहते हैं। और जब तक मैं अकेला हूँ तो वो फर्स्ट पर्सन रहेगा, और मैं फर्स्ट पर्सन जाके किसी से बात करूँगा तो वो सेकेंड पर्सन रहेगा। क्लियर हो गया बात। तो तब से लेकर आज तक ग्रामर में आई को हमेशा फर्स्ट पर्सन माना जाता है, यू को सेकंड पर्सन माना जाता है। ही, शी, इट या फिर किसी पर्सन का नाम हो या किसी जगह का नाम हो, किसी थिंग्स का नाम हो, उसे हम थर्ड पर्सन मानते हैं, और दिस, दैट को भी हम थर्ड पर्सन ही मानते हैं, ठीक है। तो यानी कि क्या हुआ कि आई का डेफिनेशन कैसा है, डिफाइन कैसे करेंगे, आई को हम डिफाइन करेंगे हु इज स्पीकिंग। हु इज स्पीकिंग, जो पहले बात करने वाला हो वो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है। सेकेंड पर्सन होता है स्पोकन बाय, जिसके द्वारा बात किया जाता है वो हमारा सेकंड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन होता है स्पीकिंग अबाउट, जिसके बारे में बात किया जाता है वो हमारा थर्ड पर्सन होता है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन होता है हमारा आई, सेकंड पर्सन होता है यू, और थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट, दिस, दैट, या किसी पर्सन का नाम भी हो सकता है, किसी जगह थिंग्स का नेम भी हो सकता है, किसी प्लेस का नाम भी हो सकता है। तो ये सिंपल से एक एग्जांपल मैं आपको दिया हूँ, ताकि ये जो मैंने स्टोरी बनाया है, ये मैंने इसलिए बनाया है ताकि आपको एकदम समझ आ जाए, जल्दी से आपको समझ आ जाए, ठीक है ना। अगर मैं आपको लिख देता हु इज स्पीकिंग आई, तो इतना जल्दी समझ नहीं आता, समझ तो जाते बट इतना जल्दी समझ नहीं आता। क्लियर हो गया। तो ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस चीज़ को हमें ध्यान से पढ़ना है और इसे कॉपी में नोट करते रहना है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया। अब हमने बात करना है कि अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, यू है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, ही, शी, इट, या किसी का नाम, या दिस, दैट है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे इरेज करना पड़ेगा। तो मैं आपके सामने एक छोटा सा टेबल बनाऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, ठीक है। तो मैं पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ। आई होप कि अब तक जितने मैंने वीडियो बनाए हैं, जब तक जितने भी आपने मेरे वीडियो देखे हैं, आपको समझ आ रहा होगा। अगर नहीं आता तो आप कमेंट में मैसेज छोड़ सकते हो आप, ठीक है। तो उस वीडियो को मैं दोबारा बनाऊंगा या दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है कैसा, कैसा बनता है। सबसे पहले हमें एक टेबल बनाना है सिंगुलर के लिए। सिंगुलर में हम लिखेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, और दूसरा टेबल बनाएंगे हम प्लूरल का, उसमें हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया। सिंगुलर प्लूरल आपको मैंने बता दिया था ना,
कहाँ पे बताया था आपको, याद है? नहीं है तो आप मेरे पिछला वीडियो देखिए, नाउन, ठीक है ना। नाउन के टाइप्स था, नंबर नाउन्स में आपको मैंने बताया था कि सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है। सिंगुलर का मतलब एक वचन होता है, प्लूरल का मतलब बहुवचन होता है। उसको आप ब्रीफली पढ़ना चाहते हो तो मेरे वीडियो पे जाके जरूर देखिए, स्टार्टिंग से वीडियो देखिए। जब तक आप शुरू से वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ ही नहीं आएगा। अगर आप बीच से देखोगे, हाँ जी मैंने नहीं सीधा प्रोनाउन देखना है, बाकी छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है, इससे बेटर कि देखो मत, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट अगर आपका आई है तो इसका ऑब्जेक्ट बनता है मी बनता है। आई का ऑब्जेक्ट कौन होता है? मी होता है। और यू का ऑब्जेक्ट होता है, यू ही रहता है। और ही शी इट, ही का बनता है हिम, शी का बनता है हर, और इट का तो हमेशा इट ही रहेगा। क्लियर हो गया? तो ये कौन है? फर्स्ट पर्सन है। ये कौन है? सेकंड पर्सन है। और ये कौन है? थर्ड पर्सन है। तो बना ना, मैं आपको बताया था ना कि फर्स्ट पर्सन होता हमारा आई होता है, सेकंड यू, थर्ड पर्सन हमारा ही शी इट होता है। क्लियर हो गया? अब हमारे पास क्या है? प्लूरल। प्लूरल में देखिए, अगर मान लो आई के साथ, प्लूरल में अगर आई के साथ किसी का नाम आ गया, जैसे मैंने कहा राम एंड आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे, राम और मैं जो है कल मार्केट गए थे, तो जरूर थोड़ी ना राम एंड आई बोलेंगे। कहीं लोग राम एंड आई नहीं बोलते हैं, कहीं लोग क्या बोलते हैं? राम एंड मी। एक बार नोट करना, कहीं लोग क्या बोलते हैं? राम एंड वी, राम एंड मी वेंट टू मार्केट यस्टरडे। गलत है, सेंटेंस पूरा ही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपने राम के साथ मी लगा दिया। मी तो हमारा ऑब्जेक्ट है। किसने बताया था आपको सब्जेक्ट के जगह में मी आता है? कभी बता आता है कभी सब्जेक्ट के जगह में ऑब्जेक्ट आएगा? कभी नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट कभी नहीं आएगा। अगर आप बोलते हैं यू एंड मी वेंट टू मार्केट यस्टरडे, गलत है वो। आपको लगता है कि आप अच्छा इंग्लिश बोल रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा गलत इंग्लिश बोल रहे हैं, क्योंकि मी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की जगह कभी भी नहीं ले सकता है, तो ध्यान से करना है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट को देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाकर हमें टेंस भी तो करना है, स्पीकिंग भी तो करना है, तो कैसे करोगे? ऐसे बेकार इंग्लिश लेके करोगे, कुछ फ़ायदा नहीं होगा करने का। इंग्लिश आपको इम्प्रूव करना है, क्योंकि इंग्लिश बहुत ज़रूरी होगी आज के टाइम में। अब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो इंग्लिश के बिना तो कुछ बात ही नहीं होता है। 5-5, 6-6 राउंड इंटरव्यू होता है। यहाँ तक कि आप कॉल सेंटर में जॉब करने जाओगे ना, वहाँ पर भी आपको 3 राउंड इंटरव्यू देना ही पड़ता है। सिंपल, डोमेस्टिक कॉल सेंटर में जाओगे तो वहाँ पे आपको 3 इंटरव्यू देना ही पड़ता है, वो भी इंग्लिश में, समझ आ गया ना। बट कॉल आपको लेना पड़ता है हिंदी में, तो इंग्लिश सोचो कितना इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, ठीक है, सीखना है इसको। अब राम एंड आई, तो राम एंड मी नहीं बोलेंगे, ठीक है। अगर आपका राम एंड आई मतलब कि किसी के नाम के साथ अगर आई आ जाता ना, तो इसका सब्जेक्ट क्या बन जाता है? वो वी बन जाता है। यानी कि ये एक से अगर एक इंसान के साथ दूसरा बंदा आ गया तो वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। जब तक वो अकेला है तो सिंगुलर है, उसके साथ कोई दूसरा पर्सन आ गया, तीसरा चौथा आ गया, तो प्लूरल बन जाएगा। तो यहाँ पे इसका प्लूरल, आई का प्लूरल क्या बनता है? आई का प्लूरल बनता है वी बनेगा। और वी का ऑब्जेक्ट होता है अस होता है। वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस होता है, ठीक है। और यू, यू का प्लूरल क्या होता है? जैसे यू, यू का प्लूरल यू ही रहेगा। जैसे मैं बोला कि सिंगुलर को बोलना है, जैसे मैंने कहा एक्सक्यूज मी यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, हो गया, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, एक को बोला। अगर मैंने बहुत सारे को बोले ऑल ऑफ यू आर लुकिंग, ऑल ऑफ यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, तो सबके लिए मैं कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो वहाँ पे सबके लिए भी हम यू करेंगे, सिंगुलर प्लूरल के लिए भी यू करेंगे, सिंगुलर के लिए भी यू करेंगे। और यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हमेशा यू ही रहता है, इसका ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। पर्सनल प्रोनाउन में इसका ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, बाकी और इसके जो रिफ्लेक्सिव है, पोजेसिव है, उसमें चेंज हो सकता है, बट पर्सनल प्रोनाउन में इसका ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहेगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। देन उसके बाद थर्ड पर्सन के लिए क्या होगा? अब जैसे मैंने कहा, अब देखिए थर्ड पर्सन के लिए जैसे मैंने लिखा राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, अगर राम एंड श्याम आ गया तो क्या होगा? ये इसका सब्जेक्ट क्या बनना चाहिए? तो ये राम, मैंने कहा था कि किसी का नाम हो वो थर्ड पर्सन होता है, किसी का नाम आ गया तो वो कौन होता है? थर्ड पर्सन होता है। तो थर्ड पर्सन एक है, अगर थर्ड पर्सन अगर आपका एक है, अगर राम है रानी जो भी है, तो अगर अकेला है तो हम इसको ही बोलेंगे, समझ रहे हो ना। यानी अकेला है तो उसका सब्जेक्ट क्या बनेगा? ही बनेगा। और फीमेल में है तो वो शी बन जाएगा, ही लगाएंगे या फिर हम शी लगाएंगे। अगर मेल फीमेल से बात हो रहा है तो शी लगाएंगे फीमेल के लिए, ही लगाएंगे मेल के लिए। अब यहाँ पे आ गया राम एंड श्याम, यहाँ पे दो लोगों का नाम आ गया, तो दो लोग कौन है? मैंने कहा था कि एक से ज़्यादा होगी तो प्लूरल होता है, पर यहाँ पे प्लूरल क्या हो जाएगा? अगर आई होता है यहाँ पे, राम के साथ आई होता तब तो वी बन जाता। अब यहाँ पे आई है ना वी है, यहाँ पे क्या है? राम एंड श्याम है, तो दोनों के दोनों थर्ड पर्सन है, तो वो मेरे लिए कौन हुए? थर्ड पर्सन हुए ना। हम बोलेंगे दे आर गोइंग टू मार्केट,
राम एंड श्याम आर गोइंग टू मार्केट, तो उसको हम दे भी बोल सकते हैं क्योंकि हमें थर्ड पर्सन है उसका प्लूरल को बात कर रहे हैं, तो प्लूरल क्या होता है इसका हमेशा दे, यानी कि थर्ड पर्सन ही शी इट का प्लूरल क्या बनता है दे बनता है, और दे का ऑब्जेक्ट क्या बनता है देम बनता है। तो ये टेबल अगर आपको समझ नहीं आया ना तो समझ लो कुछ नहीं आ रहा फिर, इस टेबल को समझना है। प्लस ये जो कॉन्सेप्ट को मैं इसलिए लिखा यहाँ पे क्योंकि जो भी आपको क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड आएगा। अगर आपको सेंटेंस समझ नहीं आता ना, अगर आपको सेंटेंस समझ नहीं आ रहा क्या क्या मीनिंग हो रहा है, बस आप इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करो, आपको आंसर यू मिल जाएगा। प्रूफ करके दिखाएं, देखना चाहते हो? बिल्कुल दिखाते हैं। तो पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ, तो आप बने रहिए कि हमने क्वेश्चन कैसा आता है, पर्सनल प्रोनाउन का क्वेश्चन कैसा आता है। इसके बाद आपको मैं क्या करूँगा, एक क्वेश्चन में एग्जांपल दूंगा, तो आप देख लेंगे। इसको फॉलो करके ये जो कॉन्सेप्ट लिखा है यानी कि राम एंड श्याम दे है, ये हमारा दे लिख देता हूँ, ये बना सब्जेक्ट पे, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करके। 100% आपका देखना पूरा मार्क्स नहीं कटेगा, पूरे के पूरे मार्क्स आएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं बताता तो लोग बोलते यार क्या आएगा सब्जेक्ट, कहीं लोग किसी का नाम लगा के आ जाते हैं, कभी कुछ भी करके आ जाते हैं, मजाक नहीं चल रहा है। आप एग्जाम में जाते हैं तो मजाक के लिए नहीं चलते, आप कोई तैयारी कर रहे हो तो मजाक के लिए नहीं होता, वो आप अपने करियर के लिए कर रहे हैं, और करियर बनाना है तो इंग्लिश सीखना पड़ेगा, इंग्लिश नहीं है तो कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन कैसा आता है। SSC में आता है ऐसे क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से आता है, फिर आपको चॉइस करना पड़ता है, वहाँ पे MCQ में टिक करना पड़ता है। जैसे लिखा मैंने एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे लिखा मैंने राम एंड आई ब्रैकेट, अब इस फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है। राम एंड आई वेंट टू स्कूल, राम और मैं क्या है कहाँ गए थे, स्कूल गए थे। मान लो इसको किसी को डेफिनेशन नहीं आ रहा समझ, अब इसको मान लो कि किसी को इसका मीनिंग नहीं पता लग रहा है कि यहाँ क्या बात हो रहा है। कहीं होता भी है ऐसा जिनको टेंस नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, इसका मीनिंग नहीं पता चल रहा सर कि क्या मतलब है इसका। कोई बात नहीं, आपको मीनिंग नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, बट मैंने आपको कॉन्सेप्ट तो बताया ना कि किसी के नाम के साथ, चाहे वो राम हो श्याम हो सीता गीता जो भी हो, किसी का नाम के साथ, चाहे वो माय ब्रदर माय सिस्टर हो माय फादर माय मदर हो, अगर यहाँ पे आता है माय फादर एंड आई माय मदर एंड आई माय सिस्टर एंड आई माय फ्रेंड एंड आई, जो मर्जी हो पर आई आ गया ना इसमें, तो इसका सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पर हम वी लिख देंगे तो आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, करेक्ट, पास, एक नंबर आ गया, पास हो गए, क्लियर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन कैसा आएगा, सेकंड क्वेश्चन आ सकता है जैसे मैंने लिखा राम एंड रानी डैश, राम एंड रानी डैश आर सिंगिंग अ सॉन्ग, राम एंड रानी जो है गाना गा रहे हैं, गाना गा रहे हैं ना, तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा। मैंने कहा था कि जब कोई दो नाम आ जाता है तो इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा, दे बनेगा, क्यों, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, दोनों के दोनों थर्ड पर्सन है, तो ये ही शी इट के अंदर काउंट किया जाता है, और इन सबको मिला लो ना, अगर ही शी इट सबको इकट्ठे भेजो ना बाहर कहीं घूमने तो वो दे बन जाएगा, ठीक है ना, तो दे बनेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा सब्जेक्ट में हमारा दे आएगा। तो बोलो कहाँ है मुश्किल, क्या मैंने आपको ये समझ आ रहा है, अगर मान लो जो समझ नहीं आ रहा तो ये तो समझ आएगा ना कॉन्सेप्ट, ये आप आंसर भर दो। जिनको टेंस नहीं आ रहा है, इसको मीनिंग ट्रांसलेट करना नहीं आ रहा है, तो कॉन्सेप्ट को फॉलो करो जनाब, कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा ताकत है, बहुत ज़्यादा ताकत है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देता हूँ मैं ही शीट के लिए, जैसे लिखा हमने राम डैश इज अ गुड बॉय, डैश इज अ गुड बॉय, कई लोग क्या करते हैं यही भर के आ जाते हैं, हाँ जी यही आएगा जी, राम एक गुड बॉय है, बाकी तो यहाँ कोई है ही नहीं, है ना, कई लोग क्या करते हैं राम यहाँ लिखे आ जाते हैं, ऐसे लिखे आ जाते हैं सर मैंने पेपर दे दिया, अच्छा ही है बहुत, बाद में पता चला अरे ये तो नंबर ही कट गया, क्यों कट गया, क्योंकि वहाँ पे राम इज अ गुड बॉय है, जो ब्रैकेट में था उसी को लिख दिया बेचारे को भाई, जहाँ पे यहाँ पे राम को लिखना होता तो बेवकूफ थोड़ा ना क्वेश्चन बनाने वाले, उन्होंने कुछ सोच समझ के बनाया होगा ना क्वेश्चन, तो यहाँ पे अगर किसी का नाम आ जाता है तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में बात हो रहा है, तो सब्जेक्ट को फिल क्या करना है हमने, तो यहाँ पे अगर किसी का नाम अकेला आता है तो यहाँ पे हम लिखेंगे ही लिखेंगे, अगर कोई फीमेल का नाम आता है रानी होता तो शी आना था, शी इज़ अ गुड गर्ल आना था, तो बताइए कहाँ है मुश्किल। आप कहते हैं कि बहुत मुश्किल और ट्रांसलेट करना, फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं होता सॉल्व, कैसा नहीं होगा, आज से आपका सब कुछ सॉल्व होगा, क्योंकि मैं आपको ऐसा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि आज तक ऐसा कॉन्सेप्ट आपने देखा नहीं होगा, ठीक है ना, समझ आ गया। तो ये था हमारा पर्सनल प्रोनाउन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे, तो ये इस वीडियो को आपने ध्यान से देखना है,
ठीक है, इस वीडियो को मैं आप यहीं पे छोड़ूंगा, अगले में आप बनाऊंगा नहीं। सेकंड जो पार्ट है यानी कि सेकंड जो टाइप्स है प्रोनाउन का, पोजेसिव प्रोनाउन, वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। उसका भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपसे बड़े बड़े क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। बट ऐसे क्वेश्चन अगर जो आता है ना, तो घबराना नहीं है, वहाँ पे आपने सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को समझना है। यहाँ पे देखिए, अगर आपको फीलिंग से लाइन यहाँ पे खाली दिया है, मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट बनना है, किसी भी हाल में यहाँ पे सब्जेक्ट बनना है। कहीं ये मत कर देना अस वेंट टू मार्केट, कहीं कर भी लेते हैं, ऑब्जेक्ट बन के आ जाते हैं, पर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का हमें कैसा लेगा, जबकि आपका स्ट्रक्चर ही ऐसा है। ये ट्रूथ है, ये हमेशा ऐसा रहेगा, कभी ऐसा नहीं बनेगा। सॉरी, कॉम्प्लीमेंट नहीं बोली मैंने, वैसे कॉम्प्लीमेंट भी होता है, जो मैंने सी लिखा ना, ये भी होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है, कॉम्प्लीमेंट अलग है, ऑब्जेक्ट अलग है, वो क्या है वो वीडियो में कभी लेके आऊँगा टॉपिक, जरूर देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तो कभी ऐसा देखा आपने ऐसे गलत? अब बोलेंगे सर देखा था कहाँ, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में देखा था। जनाब, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में आपने देखा तो था, पर वो सब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, फिर भी तो वो सब्जेक्ट ही होता है ना। मान लो ऑब्जेक्ट ही लिख देते कोई बात नहीं, और उसमें इज एम आर भी लगता है, वॉज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब भी लगता है, उसमें वर्ब नहीं लगेगा अकेला। क्लियर हो गया? तो यहाँ नहीं कि क्या है, मेरे कहने मतलब कि ऑब्जेक्ट की जगह यानी कि सब्जेक्ट की जगह कभी ऑब्जेक्ट नहीं ले सकता। तो यहाँ नहीं कि फिलिंग द बैलेंस अगर आपका खाली यहाँ आगे दिखाया है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट ही भरा जाएगा, और अगर आपका मान लो एंड में दिया है, तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट भरा जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा पर्सनल प्रोनाउन, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था। इस वीडियो को आप बार बार रिपीट करके देखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, सीजेट की करो, बैंकिंग की करो, जो मर्जी करने करो, बट कॉन्सेप्ट को फॉलो करके करो, तो देखो कितना मजा आएगा, और आपके तैयारी पेपर जो है ना ऐसे क्लियर हो जाएंगे, आपने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।